दोस्तों आज के दौर में दुनिया भर में साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने एक अलग ही पहचान बना ली है और लोग आजकल ज्यादातर साउथ फिल्में देखना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बॉलीवुड की फिल्में लगातार फ्लॉप और बॉयकॉट की जा रही हैं, वहीं साउथ की फिल्मों को इतना प्यार दिया जा रहा है जिसकी कोई हद ही नहीं। कि साउथ की 99% फिल्में परंपरा संस्कृति की जिंदगी से जुड़ी हुई सच्चाई पर बनाई हुई होती हैं और जो समाज को अच्छी सोच और संस्कार देने का कार्य भी करती हैं। और साउथ की फिल्में कम बजट में तैयार की जाती हैं और कमाई बजट से अधिक करती हैं, क्योंकि फिल्मों को एक अलग स्तर पर तैयार किया जाता है। साथ ही साउथ की ज्यादातर फिल्में सामाजिक परंपरा, भाषा और गांव की साधारण जिंदगी वाली कहानियों पर आधारित होती हैं, जिसे लोग खूब पसंद करते हैं और उनसे रिलेट भी करते हैं। वहीं अगर बॉलीवुड फिल्मों की बात की जाए तो बॉलीवुड फिल्मों में वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है और फिल्मों की कहानी भी लोकल लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाती, जिसके कारण लोग उन फिल्मों से इतना ज्यादा कनेक्ट ही नहीं हो पाते। इसके अलावा बॉलीवुड की फिल्मों में इतने ज्यादा इंटीमेट सीन होते हैं कि आप अपने परिवार के साथ फिल्म देख ही नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं कब कैसा और कौन सा सीन पर्दे पर आ जाए जिसके चलते आपको पूरे परिवार के सामने एम्बेरस फील करना पड़ जाए। लेकिन दोस्तों वहीं अगर साउथ फिल्मों की बात करें तो साउथ फिल्मों में हिंदू कल्चर, देवी देवताओं का सम्मान करना, साथ में हिंदू परंपराओं का पूरा ध्यान दिया जाता है और एक पूरी फैमिली पिक्चर बनाई जाती है जो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। वहीं साउथ की फिल्मों को देखने से पता चलता है कि ये फिल्में मन की बात को बेहतर ढंग से पर्दे पर दिखाती हैं और साउथ की कहानियां और किरदारों में उस सच को सीधे तौर पर देख पाते हैं जो जीवन की सच्चाई से जुड़ी होती हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात, साउथ इंडियन फिल्मों में हर कलाकार को एक कला की अहमियत पता होती है और कलाकार अपने उस किरदार में खुद को जिंदा करने की कोशिश करते हैं। साथ ही दोस्तों साउथ की फिल्मों में ये भी देखने को मिलता है कि उनकी कहानियों में छोटे छोटे मुद्दे को दमदार तरीके से सामाजिक स्तर पर उठाया जाता है और दोस्तों यही कारण है कि साउथ की फिल्मों को इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है और बॉलीवुड की फिल्मों को बॉयकॉट किया जा रहा है। बाकी दोस्तों आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि साउथ की फिल्में और बॉलीवुड की फिल्मों में इतना बड़ा अंतर अब क्यों आया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।